गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्केट ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अदानी पावर के डीलिस्टिंग से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर में हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और डीलिस्टिंग के लेटेस्ट न्यूज पर जाने से पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 75% है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग पर नजर डालें तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 1% से भी कम है। DIIs की होल्डिंग 8.32%, FIIs की होल्डिंग 12.34% और अदर पार्टीज की होल्डिंग 4.34% है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी को डीलिस्ट कराने के लिए प्रमोटर्स को लगभग 25% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। सो फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हैं कि 22 जून 2020 को अडानी पावर ने NSE और BSE को बोर्ड मीटिंग के आउटकम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया है। यहां पैरा बी में बताया गया है कि अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोर्ड को दिए गए लेटर डेटेड 22 जून 2020 में डीलिस्टिंग के लिए शेयर का फ्लोर प्राइस 33.82 रुपए और इक्विटी शेयर तय किया गया है। पैरा ई में यह बताया गया है कि बोर्ड ने स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के जरिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सो फ्रेंड्स, यहां हम देख सकते हैं कि डीलिस्टिंग के लिए अडानी पावर का फ्लोर प्राइस 33.82 रुपए पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। इस बेस पर शेयर में आगे की रणनीति तय करने के लिए हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, जहां हम देख सकते हैं कि शेयर अभी 37.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शेयर का 52-वीक लो 23 रुपए और 52-वीक हाई 73.80 रुपए का है। यहां आप देख सकते हैं कोरोना के पहले शेयर लगभग 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद शेयर में भारी गिरावट आई है और इसका फायदा कंपनी अपने शेयर्स को कौड़ियों के दाम पर खरीद कर उठाना चाहती है। वेदांता ग्रुप के बाद यह दूसरी ऐसी कंपनी है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने ऊपर के लेवल में शेयर को बाई किया हुआ है उनका पैसा डूबना तय है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर क्या हम इस डीलिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं? जवाब है हाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम वॉलेंटियर डीलिस्टिंग केसेस में डीलिस्टिंग प्राइस फ्लोर प्राइस से 15-20% ऊपर ही तय होता है। इस हिसाब से शेयर का डीलिस्टिंग प्राइस 42-45 रुपए के बीच होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक लेंदी प्रोसीजर है और इसमें काफी समय लगता है और शेयर प्राइस मोमेंट के हिसाब से डीलिस्टिंग प्राइस कम या अधिक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्लोर प्राइस के जितना नजदीक हो सके शेयर को बाई करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।